वेलकम वंस अगेन अ न्यू वीडियो ऑफ राउंड ऑफ माइल्स। आज हम एक और डिज्नीलैंड मेला जो कि बहादुरगंज में है उसे हम शूट करने के लिए आ चुके हैं। इस मेले में एंट्री फी जो कि किशनगंज में है 10 रुपये एक आपसे चार्ज लिया जाता है, यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री है। आप आएँ और सीधे मेले में इन कर सकते हैं और मेले को एक एक फूट एक एक झूले को ड्रैगन ट्रेन को और नाव को काफ़ी बारीकी से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मेले के अंदर चलते हैं और एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेले में क्या क्या है। अभी दिखाता हूँ कि ये भाई साहब कैसे पराठे बनाते हैं। ये जो बड़े बड़े आप पराठे देख रहे हैं ये भाई साहब अपने हाथों से बिना किसी बेलन के मदद से पराठे बनाते हैं। इसमें मैदे का डो ले चुका है और ये अपने हाथों से धीरे धीरे इसे फैला रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये इसी तरह करके फैलाते हुए अपने हाथों में ले लिए हैं और इसका साइज धीरे धीरे अब बड़ा होते जाएगा। आप देख रहे हैं गाइस, ये देख रहे हैं ये अब बिल्कुल बड़ा होते जा रहा है। आप देख रहे हैं इसका स्टाइल, और ये गाइस पराठा 1 मिनट में भैया का कहना है कि बना के रेडी कर देते हैं। ये अब तवा में भैया ने पराठा को डाल दिया है, ये अपने हाथों से इतना बड़ा पराठा बेल दिए हैं बिना किसी बेलन के मदद से। आप देख रहे हैं गाइस 1 मिनट में ये पराठा बन के तैयार होने वाला है। ये अपने हाथों से ही घुमा रहे हैं पराठे को बिना किसी औजार की मदद से। ये 30 सेकंड हो चुका है और आप देख सकते हैं 30 सेकंड में भैया ने अपने हाथों से पराठे को पलट दिए हैं और ये आधा पककर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं गाइस, इस पराठे को हलवे के साथ में सर्व किया जाता है। ये आप देख रहे हैं गाइस कि पराठा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। दूसरे साइड में भी थोड़ा सा इनको पकाया जाएगा और ये पराठा बनकर तैयार होने ही वाला है। ये आप देख सकते हैं इस मेले में आपको यूपी का फेमस हलवा और पराठे की दुकान मिलेगी। आइए भैया से जानने की कोशिश करते हैं क्या स्पेशल है इनके हलवा और पराठे में। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से है ये बताइए। मेरा नाम नियाज खान है, लखनऊ यूपी से हैं। यहाँ हलवा पराठे की दुकान है हमारी फेमस जमजम होटल। ये हमारे पास यूपी का शाही हलवा, मुगलिया पराठा, खस्ता खजूर हलवा, सोहन सोन पापड़ी मंसूर उपलब्ध है। ये हमारे पास हर चीज़ अच्छी तरीके कारीगरों द्वारा शुद्ध वांसुती घी से तैयार किया जाता है। अच्छे कारीगरों द्वारा हर जगह की इसकी ज़रा यहाँ पे रेट नहीं लगाए हैं। हर जगह 120 रुपये केजी देते हैं। यहाँ पे खिदमत में 100 रुपये किलो हलवा पराठा मिल रहा है सिर्फ ओनली फेमस जमजम होटल में। तो दोस्तों आप यहाँ पे आके फेमस जमजम होटल का हलवा पराठा ट्राई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे में। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आप डिज्नीलैंड मेला के अंदर इन करेंगे आपको दोनों साइड में खाने और पीने की दुकानें आपको सजी हुई मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे मनोरंजन का साधन, साथ ही पॉपकॉर्न एंड गुड़िया के बाल को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस बहादुरगंज का डिज्नीलैंड मेला है। इस मेले में कुछ लोग आपको एंजॉय करते हुए काफी सारे लोग मिलेंगे, इसमें हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए चलते हैं बातें करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? सादिक। आप बहादुरगंज से ही हैं? जी, लोकल से। कैसा लग रहा है? मेला हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से है नहीं।
कि ये मेला कहीं और भी लगता था मंदिर के पास, अच्छा ज़्यादा कुछ ज़्यादा भीड़ वाला रहता था। और फिर जहाँ से यहाँ पहली बार लगा है तो जब से यहाँ नहीं पता है किसी और को कि यहाँ इसी वजह से भीड़। चलिए शायद इस ब्लॉग को देख के और लोगों को पता चल जाए। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम रियाज अहमद हुआ। और क्या इन्वाइट करना चाहेंगे जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं? जी बिल्कुल करना चाहेंगे, इसलिए करना चाहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, आप आ सकते हैं और मेला इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी कोऑपरेटिव है। आप मेला घूमें शांति से, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्यार से मेला घूम सकते हैं और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है मेला में। तो आप लोग आएँ एक बार ज़रूर और विजिट करें, इंजॉय करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ के लोग तो कोऑपरेटिव होंगे क्योंकि हमारा नाम ही सीमांचल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सीमांचल के लोग दिलवाले होते हैं, दिलवाले होते हैं। जी जी बिल्कुल, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत की बात करेंगे, अगर हमारे सीमांचल के लोग आपको कहीं मिल गए तो वो आपको दिल खोल के आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, सीमांचल के लोग आपको किसी भी एरिया में मिले, किसी भी आपको सिटी में मिले तो वहाँ के लोगों को उनका नेचर ही दिखा देगा आप लोगों को कि हम सीमांचल के हैं। चले आइए और भाई साहब मिलते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इनाम। मेले में क्या क्या एंजॉय करने के लिए है? मेले में तो बस बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जैसे हलवा पराठा, हवाई लाड़ू, वो नारियल बचपन में जो खाते थे खरीदते थे उससे यादें ताज़ा होती है। मेला तो वही रहता है जो कि बचपन छूट गया है, जो बचपन छूट गया है, उम्र बीतने के बाद आपको बस ये चीज़ याद रहती है कि हाँ बचपन में हम क्या खाते थे और क्या एंजॉय करते थे। बेटा है तो इसको ले लीजिए, बहू बना लीजिए। बोल दीजिए हमारे लिए बेटा है ये तो संसार का नियम है, सबका होना ही है। मेले में आप कॉस्मेटिक आइटम का दुकान देख रहे हैं, यहाँ से आप कॉस्मेटिक की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इयर रिंग्स हैं, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, कंगन है, कई सारे आइटम हैं, अपने मनपसंद से आप जो भी खरीद सकते हैं। हेलो, मेले में थोड़े अंदर आएंगे तो आपको क्रॉकरी सेट की दुकानें आपको मिल जाएंगी, इसमें आपको तरह तरह के क्रॉकरी आइटम, स्टील के आइटम, घरेलू किचन के आइटम आपको बिकता हुआ दिखेगा। ये आप होम डेकोरेशन का काउंटर देख सकते हैं। आपको लेडी आइटम के पर्स आपको और टेडी बियर की दुकानें मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पे। दुकान है और ये नाव पे आप घूमते हुए देख सकते हैं, काफी एंजॉय करते हैं, हर्षोल्लास के साथ बच्चे खुश हैं। और इसका प्राइस 40 रुपीज रखा गया है ईच पर्सन। किशनगंज की ही तरह आपको यहाँ पे भी ड्रैगन ट्रेन आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी सी रात लेट हो जाने के कारण भीड़ काफ़ी कम अब होने लगा है। अप्रोक्स आप 8 बजे तक यहाँ पे मेला को इंजॉय कर सकते हैं, और जैसे आप लेट करते हैं तो थोड़ा आपको भीड़ कम मिलेगा। आप पीछे बच्चों के लिए देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए आप मनोरंजन के लिए आप मोटरसाइकिल का आप चरखे देख सकते हैं, इसमें बच्चे आराम से एंजॉय करते हुए आपको देखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए इस ड्रैगन ट्रेन को एंजॉय करते हुए कुछ लोग यहाँ पे नीचे में मिल रहे हैं, ये लोग काफ़ी हर्षोल्लास है इस मेले को एंजॉय करने के लिए, साथ में सभी लोग मेले को एंजॉय कर रहे हैं। आइए चलते हैं अब ब्रेक डांस की तरफ में, तो सामने आप ब्रेक डांस देख सकते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण आपको भीड़ भाड़ थोड़ा कम दिखेगा, बाकी आप जैसे 5-6 बजे तक आते हैं तो आपको फुल
भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग आपको मिलेंगे देखते हुए। ये आप साथ में ऊपर चरखी देख सकते हैं। आइए, इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 50 rupees इस पर्सन। कितने राउंड घुमाते हैं अभी? आइए, छः राउंड 50 rupees में 6 राउंड। ब्रेक डांस को आप 6 राउंड एंजॉय कर सकते हैं ओनली 50 rupees। तो दोस्तों, मेले में आप देख रहे हैं चरखे, यहाँ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसका प्राइस 50 rupees रखा गया है। आइए जानते हैं, ये भी 6 राउंड ही घुमाते हैं एक बार में। साथ में आप मिकी माउस देख सकते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को यहाँ पे ला के इंजॉय करवा सकते हैं। साथ ही साथ मेले में आप आके शूटिंग कर सकते हैं। अपने निशाने को आप देख सकते हैं कि आपका निशाना कितना परफेक्ट है। प्राइस कैसे है, कितना गोली मिलता है, क्या है? 20 का 8 मिलता है। आप 20 के 8 गोली को लेके अपने निशाने को आप चेक कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक बगल में ही आपको टेडी बियर का दुकान मिल जाएगा। बच्चों के लिए आप टेडी बियर ले सकते हैं और साथ में खिलौने का ढेर सारा आइटम लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर सारा टेडी बियर ही टेडी बियर है। इस साइड में भी आपको होम डेकोरेशन का सामान मिल सकता है। और ये साथ में आप चश्मा और बेल्ट की दुकान आप देख सकते हैं, एकदम 50 रुपये। दोस्तों, आई होप इस मेले में आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपने इंजॉय किया है, तो ढेर सारा लाइक और शेयर कर दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सामने में जैसे ही आप चरखी से थोड़ा सा पहले आप देखेंगे तो बगल में आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कलेक्शन के साथ में बैग का आपको दुकान मिल जाएगा, जो कि लेडी पर्स और जनरल बैग सब हैं। आइए भैया से जानते हैं क्या प्राइस रहने वाला है। क्या प्राइस है भैया? 180 रुपया। और ये नीचे में जो ये बैग सब, ये सब क्या प्राइस है? 180। अच्छा, टोटल आपको 180 का ही रिटेल दिखेगा। सर माल आपको 180 में ही मिलने वाला है। साथ में बच्चों के लिए खिलौने का आइटम ये सारा दुकान भरा पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, घर के लिए सामान ले सकते हैं। ये आप लेडी कनेक्शन देख सकते हैं, आप इयर रिंग्स वगैरह ले सकते हैं। क्या प्राइस रहने वाला भैया इयर रिंग्स वगैरह का? हाँ जी, ये हर तरह का सामान है, अलग अलग प्राइस है। ये अलग अलग प्राइस के रेट में आपको सारा सामान अवेलेबल है, स्पेशली लेडी काउंटर है। आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। एक उसके बगल में ही आपको सेम आइटम की दुकान आपको मिल जाएगी। जंपिंग प्ले बोर्ड पे आप बच्चे को जंप करके एंजॉय करते हुए आप देख सकते हैं, ढेर सारा बच्चा जंप कर रहे हैं। ये आप झुमके की दुकान देख सकते हैं। इस दुकान पे काफ़ी लड़कियाँ आपको शॉपिंग करते हुए दिख जाएंगे। ढेर सारा आइटम है। ये एक से बढ़कर एक आप आइटम को देख सकते हैं। इयर रिंग्स के लिए आप कोई सा भी आप चूज करके कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रखा गया है, आप कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। डिज्नीलैंड मेला का आप देख सकते हैं, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी एंजॉय करते हुए आपको दिख रहे हैं, काफ़ी हर्षोल्लास है। ये मेले का आप यहाँ से व्यू पॉइंट आप है, ये मिडिल पॉइंट हो गया, यहाँ से सारे मेले को आप देख सकते हैं।
आप मेले का टॉप व्यू देख सकते हैं। ये मेले का पूरा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये ड्रैगन ट्रेन है, ड्रैगन ट्रेन पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे जादू का शो एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल अभी सन्नाटा है, कल आप जब टाइम से आएंगे तो यहाँ पे आप जादू का शो एंजॉय कर सकते हैं। सीमांचल डिज्नीलैंड मेला 10 सितंबर तक लगने वाला। सो दोस्तों, मेले को यहाँ एंड करने का समय आ गया है। आप निकलते हैं इस मेले से, और ठीक इसी तरह का और भी कोई मेला सामने दिखता है तो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप आइए, इस मेले को एंजॉय कीजिए और यहाँ के फूड को आप एंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब के लिए धन्यवाद। आप मेले के बाहर भी स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। कई सारी दुकानें आपको मिलेंगी सीमांचल डिज्नीलैंड में। धन्यवाद दोस्तों।